आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा युवा संसद वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पिपली खरखौदा में बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा युवा संसद वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को संसद की कार्यवाही को सीखने और समझने का मौका मिला। छात्र छात्राओं में युवा सांसदों के रूप में जिस तरह अपनी भूमिकाओं को निभाया वह बहुत ही सराहनीय रहा। महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने युवा सांसदों का हौसला बढ़ाते हुए अन्य छात्र छात्राओं को भी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य ने बताया कि हो सकता है कि हमारे विद्यार्थी भी एक दिन देश की संसद को संभाले। इस कार्यक्रम का संचालन नीरा सहायक प्राध्यापिका के द्वारा किया गया। वही युवा संसद कार्यक्रम में रोहित बीए तृतीय वर्ष को सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद के रूप में चुना गया। इस कार्यक्रम में प्राची, ऋतु, कुणाल, राखी, स्वीटी, दीक्षा तथा नमिता आदि ने अच्छी भूमिका निभाई। चाहती हूँ कि भारत सरकार अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। एलओसी पर किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना पूरे तरीके से सतर्क तथा मुस्तैद है कि भारतीय सेना देश के जमीन का एक इंच हिस्सा भी किसी को हड़पने नहीं देगी। चीन के मोर्चे पर सतर्कता बरतते हुए सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया है, फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया है और 45 लाख लड़कियां शामिल है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 50 लाख लड़के खतरनाक कहे जाने वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं। और रही बात महिलाओं के अधिकारों की, अशिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों से कोसों दूर है। महिला उत्थान के लिए भले ही सैकड़ों योजनाएं बनाई गई हो परंतु महिला वर्ग में शिक्षा और जागरूकता की कमी आज भी है। चलिए मान लेते हैं आप उनकी स्टडीज के बारे में क्यूरियस थे, आपने सोचा कि शायद अटैक ना हो और उनकी जो स्टडीज है वो डिस्टर्ब हो जाए, चलिए मान लेते हैं। बट व्हाट अबाउट 28 नवंबर? 92,000 ट्रूप्स वर डिप्लॉयड ऑन यूक्रेनियन बॉर्डर। क्या लगता है आपको क्या करने गए होंगे वहां? इट वॉज सिंपली एन इन्वेजन एंड राज्यों में जो जनधन की स्थिति हो रही है उसका मूल्यांकन करके एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। आज बाढ़ की विभीषिका से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये राज्य तबाह तथा बर्बाद हो रहे हैं। बिहार में बाढ़ से जूझ रहे लोग जब राहत सामग्री लेने के लिए गए तो वह पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, यह भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। महाविद्यालय में युवा संसद का कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम को निभाने में हमारी राजनीतिक विज्ञान विभाग की मैडम नीरा मैम का बहुत सहयोग है और हमारा कार्यक्रम आज बहुत अच्छा गया है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। आज हमारे महाविद्यालय में युवा संसद का कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें संसद में होने वाली कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से दिखाया गया और आगे भी होने वाले सभी कार्यक्रमों में ऐसे ही भाग लेते रहेंगे।
आज हमारे विद्यालय में युवा संसद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं नीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज हमारे महाविद्यालय एसडीएस गवर्नमेंट कॉलेज खरखोदा में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही, जिसमें सदस्यों के शपथ ग्रहण, प्रश्नकाल तथा विधेयक को पारित करने की कार्यवाही को प्रस्तुत किया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोकतंत्र की नींव मजबूत बनती है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे भविष्य में भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम अपने कॉलेज में करते रहें। मुझे कोई डाउट नहीं था, इतना मुझे पता है कि नीरा कर रही है तो बेस्ट ही हो। ये वन मैन आर्मी है वाकई में, जब नीरा करती है तो हो जाता है और चमत्कार हो जाता है, आज मैं ये कहूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।